फ्रेंड्स, मेरा नाम अक्षत कुमार है। मैं सेंट थेरेसा कॉन्वेंट स्कूल करनाल में पढ़ता हूँ। मेरे को ना बुक्स से नॉलेज लेने का बहुत अच्छा लगता है। मैं नेशनल ज्योग्राफिक की मैगज़ीन पढ़ता हूँ। मेरे को टीवी पे नेशनल ज्योग्राफिक डिस्कवरी चैनल से भी नॉलेज लेता हूँ। मेरे को चेस जैसी गेम्स बहुत अच्छी लगती है। मेरे को चेस बहुत अच्छे से खेलनी आती है। मैं चेस के बहुत सारे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में मैंने पार्टिसिपेट करा है और उनमें मैं बहुत बार प्राइजेस भी लाया हूँ। मेरी सिंगिंग भी अच्छी है। मेरे पास सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स के भी सर्टिफिकेट्स हैं। I'm Sister Ophelia, principal of Akshit. Akshit is a student of class 7th. He's well-behaved boy in the school, participating in various activities of the school, performing well in his academics, and now he's participating in Battle of Brains quiz. And we wish him all the best, all that is good, and we'll be praying for you, Akshit. All the best to you. May God bless you. May God bless in all your performances. Thank you, sister. God bless. Hello, everyone. I'm Vandana Batra. I'm Akshat Kumar's class teacher. And I'm teaching Hindi and Sanskrit. और मैं आज आपको अक्षत कुमार के बारे में बताना चाहूँगी। वो पढ़ाई में तो अच्छा है ही, इवन बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास हुआ है ये 8th में। और इसके अतिरिक्त इसमें सर्वगुण संपन्नता, जिसे आप कह सकते हैं, वो सभी गुण है। वो स्कूल की कई प्रतियोगिताओं में भाग लेता है, सिर्फ भाग ही नहीं, इवन उनमें प्रथम भी आता है। और इसके अलावा उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। हमेशा जब भी देखो अपने फ्री टाइम में, जब भी वो फ्री है, किसी ना किसी बुक के साथ ही हम उसे पाते हैं। वो कुछ ना कुछ पढ़ता ही रहता है और हमें उसकी आदत बहुत पसंद है। बहुत ज़्यादा सिंसियर है, ओबीडियंट है, रिस्पॉन्सिबल है। आई एम वेरी हैप्पी कि ये मैं इसकी क्लास टीचर हूँ और ये मेरा स्टूडेंट है। और मैं अब इसे अपने तहे दिल से दुआ दूँगी कि आगे भी जिस प्रतियोगिता में इसने भाग लिया है उसमें विजेता बनकर हम सबका नाम रोशन करे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसने बैटल ऑफ ब्रेन नाम की प्रतियोगिता में भाग लिया और हम सबके लिए खुशी की बात है कि ये उसके सभी पड़ाव पूरे कर चुका है और फाइनल राउंड तक पहुँच चुका है। अब हम इसे तहे दिल से दुआएँ देंगे कि ये विजेता बनकर, प्रथम आकर हम सबका नाम रोशन करें, हमारे स्कूल का, हमारा, अपने पेरेंट्स का। इसके साथ ही हम इस शो के डायरेक्टर मिस्टर वरुण बंसल का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन कर बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दें। St. Teresa's Convent School. I have been taking computers of Akshit. Akshit is a very good child. He has participated in Battle of Brains competition. I congratulate Akshit on clearing all the rounds of Battles of Brains, and he has reached the grand finale. He is a very good child. My best wishes are with Akshit. Almighty God may be with him and we clear the grand finale and win laurels to the school, to his parents and to the society. Thank you. All the best to him so that he gets success in his life. Thank you very all much. The best. We want to wish him luck to bring glory for his parents and for the school and for the canal also.
जितांशु अक्षत इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मैं इसके साथ खेलता हूँ, ये हर समय नॉलेज की बातें करता रहता है। और इसने एक बैटल ऑफ ब्रेन्स नाम के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहा था और अभी फाइनल राउंड में पहुँच गया है, तो मैं ये भगवान से यही हुआ करता हूँ कि ये जीते। ये हर समय नॉलेज की बातें ही देखता रहता है और सीखता रहता है। अभी बैटल ऑफ ब्रेन्स के फाइनल में पहुंचा है, बहुत बड़ी बात है। मैं इसे बेस्ट ऑफ लक विश करना चाहूँगा। बेस्ट ऑफ लक अक्षत। मेरा नाम संचित है, अक्षत मेरा बेस्ट फ्रेंड है और ये हमेशा पढ़ते रहता है। ये फाइनल में पहुंच चुका है इसलिए मैं इसे बेस्ट ऑफ लक। हमेशा मैं क्लास में ए ग्रेड लेके आता हूँ। मेरे मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करता हूँ। स्कूल में जो कोई भी कंपटीशन होता है किसी भी फील्ड में, मैं उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करता हूँ, क्योंकि पार्टिसिपेशन करना सबसे बड़ी चीज़ होती है, भले ही उसमें प्राइज आए या नहीं। नमस्कार, मैं अक्षत की नानी हूँ। मैं आपको, मेरा नाम वरिंदर कौर है, मैं आपको अपने नवासे अक्षत के बारे में बताना चाहता हूँ। इसको नॉलेज लेने का बहुत शौक है, पढ़ाई का बहुत शौक है, ये बुक्स बहुत पढ़ता है, जितनी भी बुक्स हो नॉलेज वाली सारी पढ़ता है। इवन इसको नॉलेज वाले चैनल्स देखने का बहुत शौक है, जैसे कि डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक और साइंस वाले चैनल्स। इवन उनको देख के ये बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स बनाता है। अभी भी इसने 2-3 मॉडल बनाए हैं। इवन इसको ज़्यादातर जहाज के मॉडल बनाने का शौक है, अभी भी ये एक बहुत अच्छा मॉडल बना रहा है। और जैसे इसको पढ़ाई का बहुत शौक है, अपनी क्लास में भी ये सारे स्टूडेंट्स की बहुत हेल्प करता है, अपनी बहन की भी बहुत हेल्प करता है। बहुत पढ़ने का शौक है इसको, बहुत अच्छी अच्छी क्विज वगैरह में और जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें इसको कॉम्पिटिशन में भाग लेने का बहुत शौक है, ज़्यादातर क्विज कॉम्पिटिशन्स। अभी अभी इसको फोटोग्राफी का भी बहुत शौक है, इसने अभी कुछ ऑनलाइन था वो जीता इसने प्राइज। और भी वैसे इसको सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का बहुत शौक है और ज़्यादातर तो पढ़ाई के लिए, साइंस में ज़्यादा इसको इंटरेस्ट है, साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है ये। और अपनी बहन को भी हेल्प करता है, अपनी मदर से, मेरे से भी पूछता रहता है। इसको सर तरह की नॉलेज गेन करने का बहुत शौक है, जैसे कि साइंस के बारे में हो, बुक्स के बारे में हो, कुछ भी नेचर के बारे में। ज़्यादातर इसको नेचर से बहुत प्यार है, जितने भी ये जानवर वगैरह हैं इनसे बहुत प्यार करता है। इवन उनकी हेल्प करने भी जाता है, किसी को चोट वोट लगी हो उसकी पूरी ट्रीटमेंट करता है। घर में इसने सारा सामान रखा हुआ है, जो भी कोई रास्ते में कोई घायल हो, ये डॉगीज हो, गाय हो। इसने बैटल ऑफ ब्रेन्स में कंपटीशन में भाग लिया है, जिसमें ये काफ़ी सारे राउंड पार करते हुए ग्रैंड फिनाले तक पहुँचा है। हम दुआ करते हैं भगवान से कि ये हमारा नाम रोशन करे, ग्रैंड फिनाले जीते, इससे हमें बड़ी खुशी होगी। ये बहुत ही अच्छा इन्होंने कंपटीशन बच्चों के लिए रखा है, जिससे बच्चों को बहुत नॉलेज होती है। हमें बड़ी खुशी है हमारे घर का नाम रोशन करे हमारा बच्चा और ग्रैंड फिनाले जीते। इसके साथ ही मैं इस
प्रोग्राम के डायरेक्टर वरुण बंसल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने बच्चों के लिए ऐसे कॉम्पिटिशन रखे हैं जिनसे बच्चों की नॉलेज बढ़ती है और बच्चे आगे जाके बहुत अच्छे निकलते हैं। हमें बड़ी खुशी है उन्होंने ऐसा बच्चों के लिए कॉम्पिटिशन रखा। अक्षत का पापा बोल रहा हूँ। अक्षत शुरू से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छा रहा है, स्कूल में हमेशा वो एक्सलेंट रहा है, हमेशा ए प्लस लेके पास हुआ है, हर एक सब्जेक्ट में वो काफ़ी अच्छा है, जनरल नॉलेज भी उसकी काफ़ी अच्छी है। अभी उसकी हॉबीज़ हैं ये कॉइन्स कलेक्शन करना, जनरल नॉलेज की चीज़ें देखना और ये मॉडल्स वगैरह बनाना, फोटोग्राफी करना। अभी उसने एक शो में पार्टिसिपेट किया है, बैटल्स ऑफ ब्रेन्स, उसमें अभी काफ़ी राउंड क्लियर करके ग्रैंड फिनाले तक पहुंच गया है, तो इसमें भी काफ़ी अच्छे चल रहा है और मेरी उम्मीद है कि इसमें निकल जाएगा। मेरी जीत हुआ है कि ग्रैंड फिनाले में जीते और हमारा नाम रोशन करे, फैमिली का नाम रोशन करे, अपने स्कूल का नाम रोशन करे, सबका नाम रोशन करे। इसके साथ ही मैं शो के डायरेक्टर श्री वरुण बंसल जी का भी थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया जिससे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें और उनका अपना भी डेवलपमेंट हो और वो अच्छा कर सके इसमें आगे उनका ऑलराउंड। मैं अक्षत कुमार की मम्मा हूँ। अक्षत अभी 8th क्लास में पढ़ता है और ये स्टडीज़ में बहुत अच्छा है, हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज इसको है, बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है और इसको मॉडल्स बनाने का बहुत शौक है, जनरल नॉलेज की बुक्स और कोई भी इंटरेस्टिंग बुक जो हिस्ट्री से रिलेटेड हो या कोई भी, इसको बहुत शौक है, ये बहुत हमेशा पढ़ता रहता है और थोड़ी गेम्स का भी शौक है, ऑनलाइन गेम्स खेलता है अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टडीज़ में कोई भी कंपटीशन कहीं हो रहा हो हमेशा पार्टिसिपेट करेगा और कर आएगा। और अपनी सिस्टर अनन्या उसके साथ भी थोड़ी मस्ती करता है, घर में सबके साथ शरारती भी है और अच्छा है, दोनों तरह से अच्छा है। तो अभी इसने अक्षत ने बैटल ऑफ ब्रेन्स में पार्टिसिपेट किया जिसमें बहुत सारे राउंड क्लियर कर अभी ये फाइनल्स में पहुंच गया है और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये फाइनल्स में विनर बने और पूरी फैमिली का नाम रोशन करे। बेस्ट ऑफ लक बोलती हूँ अक्षत को। मैं बंसल सर को थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने इतना अच्छे शो बनाया है जिसमें बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सर हम सबके साथ बहुत कोऑपरेटिव हैं और उनकी हेल्प के लिए उन्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ, इस शो को बनाने के लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ और सारी टीम को, सारे स्टाफ को, सब बहुत हेल्पफुल हैं सब। पहले हम मुंबई में रहते थे, वहाँ के स्कूल में मैंने बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा था, वहाँ पे मैंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाने सीखे हैं, मेरे को कीबोर्ड वगैरह बजाना आता है, फ्लूट बजानी आती है और परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाने आते हैं। मेरे सिस्टर के स्कूल में बैटल ऑफ ब्रेन्स के कॉम्पिटिशन के बारे में बताया गया था
उसने मेरे घर आके बताया कि भैया ये कंपटीशन बैटल ऑफ ब्रेन्स का क्विज कंपटीशन है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो मैंने जाके उसका फर्स्ट राउंड पास कर लिया और मैं बैटल ऑफ ब्रेन्स के लिए सिलेक्ट हो गया। बैटल ऑफ ब्रेन्स में पार्टिसिपेट करते हुए मैंने सारे राउंड्स पास करके अब मेहनत करके मैं ग्रैंड फिनाले तक पहुँचा हूँ। अब मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं इसे जीत के अपनी पूरी फैमिली का नाम रोशन करूँ। साथ ही मैं वरुण बंसल सर का भी थैंक यू कहता हूँ कि उन्होंने हम सबके लिए बच्चों के लिए शो बनाया है जिसमें कि हम अपने पार्टिसिपेट करके क्विज खेल सकते हैं, इससे हमें नॉलेज भी मिलती है। थैंक यू सर।